हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग घर में होंगे, सब अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ रीसेलिंग हॉल। काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि रीसेलिंग हॉल कीजिए, तो टाइम नहीं मिला था। आज मैंने आप लोगों के लिए रीसेलिंग हॉल बनाया है, तो आई होप आपको ये हॉल पसंद आएगा। कम्प्लीट हॉल देखना, कुर्ती सेट देखने के लिए मिलेगी, कुर्तीज देखने के लिए मिलेगी, ड्रेसेस भी देखने के लिए मिलेगी, तो मिक्स कलेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। और सारी आउटफिट काफ़ी अच्छे हैं। अगर इनमें कुछ भी मतलब खराबी होती, कुछ भी प्रॉब्लम होती तो मैं रिटर्न कर देती। आउटफिट सारे अच्छे हैं क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट हो जाते हैं, तो उनको मैं रीसेल कर रही हूँ। और जो भी प्राइस है स्क्रीन में शो हो जाएंगे। और यहाँ से बाय करना बहुत ही सिंपल है। करना कि अगर आपको जो भी आउटफिट पसंद आ रहा है, आप उसकी पिक क्लिक करके मुझे डीएम कर दीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको स्क्रीन में शो हो जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप ले सकते हो। और बस यहाँ पे आपको प्रीपेड पेमेंट होगी, फ्री शिपिंग आपको मिलेगी। प्रीपेड पेमेंट कैसे होगी? आप यहाँ पे जीपे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, तो कोई भी मोड ऑफ पेमेंट आप पिक कर सकते हो। और सबसे मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि फ्री शिपिंग के साथ यहाँ पे रिटर्न एक्सचेंज की कोई पॉलिसी नहीं है, क्योंकि एक सिंगल पीस है मेरे पास। ऐसे मैं एज ए सेलर तो हूँ नहीं कि बहुत सारे पीसेज हो और मैं चेंज कर दूँ। तो आप सारा ध्यान से चेक करते हुए अपना साइज के अकॉर्डिंग लेना। एल साइज मेरे पास होंगे, एम वाले भी ले सकते हैं, हल्का सा ऑल्टर करना पड़ेगा आ जाएगा। तो जो बिल्कुल ठीक ठाक आपको आते हैं तो उसी साइज के अकॉर्डिंग ऑर्डर बुक करना। बस यही छोटा सा आपको काम करना है, ध्यान रखना है। बस मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आ जाता है, आप उसे बुक कराना चाहते हो, तो जो सबसे पहले मुझे पेमेंट जिसकी आ जाएगी तो मैं उसके लिए वो प्रोडक्ट बुक कर दूंगी। तो अगर आप लटका देते हो कि नहीं अभी टाइम लगेगा, ये लगेगा, तो जो पहले मुझे पेमेंट कर देगा वो प्रोडक्ट उसको मिल जाएगा। तो और क्या करना, अगर वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं अपने हॉल की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए फर्स्ट कुर्ती देख लेते हैं। और यहाँ पे ना मैं आपको बता देती हूँ, मिनी रिव्यू मैं दूंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर ज़्यादा डिटेल में आपको देखना है, यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हो, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है। पिक भी आपको लगी होगी और उसके प्राइजेस भी शो हो जाएंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर मैं आपको शो करी हूँ, एल साइज भी कुर्ती है, रेयन की आपको मिलने वाली है, इस तरीके की आपको रिसीव होगी। और आप देख सकते हो येलो शेड में मेरे पास है, नायरा कट आपको मिलेगा यहाँ पर कुर्ती, इस तरीके से आपको मिलेगी। जल्दी से देख लेते हैं, कुर्ती आपको इस तरीके से मिलेगी, नायरा कट है, पूरे योग पार्ट में आपको सीक्वेंस की डिटेलिंग मिलेगी। इस तरीके से ओवरऑल लुक है। यहाँ पे साइड में भी आपको ये पूरा डिजाइन वर्क मिल जाएगा नायरा कट में। इस तरह का रेयन की कुर्ती आपको मिलने वाली है, एल साइज मेरे पास है। पहनने पे काफी अच्छी लग रही थी ये वाली कुर्ती। बैक से बात की जाए तो पूरा ये प्रिंट वर्क आपको मिलने वाला है, इस तरीके का ओवरऑल लुक है। और लेंथ की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 46 लेंथ मिलने वाली है, और हेम की तरफ भी आपको ये वाला डिजाइन वर्क मिलने वाला है जो यहाँ पे आपको लगा हुआ मिल रहा है। और स्लीव्स की बात की जाए तो स्लीव्स पे भी आपको ये वाली डिटेलिंग मिलेगी, सीक्वेंस की डिटेलिंग पूरी आपको यहाँ पे स्लीव्स में मिली है बोथ साइड। और यहाँ पे इस तरह के टैसल भी आपको मिलेंगे, नायरा कट में कुर्ती बहुत अच्छी लग रही थी। इसको आप बाय करना चाहते हो तो जल्दी से मुझे डीएम कर दीजिए। तो ये तो हो गई इसकी कुर्ती, कंप्लीट सेट आपको मिलने वाला है। अब इसका बॉटम देख लेते हैं। बॉटम की बात की जाए तो आपको इस तरह का यहाँ पे स्ट्राइप वाला बॉटम मिलेगा, इस तरह का नायरा कट में आपको रेयन की बॉटम रिसीव होने वाला है। स्ट्राइप वाला इस तरह का डिजाइन आपको मिलेगा, कोई पॉकेट रिसीव नहीं हो रही है। ये हो गया इसका बॉटम जो कि स्ट्रेट पैंट में आपको मिल रहा है। और दुपट्टे की बात करते हैं तो दुपट्टा आपको इस तरह का स्ट्रोल काइंड दुपट्टा आपको यहाँ पे मिलने वाला है, इतना आपको दुपट्टा मिलेगा। बाकी डालने के बाद काफी अच्छा लग रहा था, इस सेट को भी आप बाय कर सकते हो, एल साइज मेरे पास है। मूव ऑन टू नेक्स्ट सेट। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, और ये भी ब्रांडेड आउटफिट आपके साथ मैं ब्रांड दिखा रही हूँ। फर्स्ट मैन हरी से था, सेकंड अनुभूति से है। रेड कलर की कुर्ती आपको मिलने वाली, प्योर कॉटन की है, टू पीस सेट है, इस तरीके का आपको यहाँ पे मिलेगा। एल साइज मेरे पास है, और यहाँ पे योग पार्ट में आपको इस तरह का एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलेगा। स्ट्रेट फिट आपको मिल रही है, प्योर कॉटन की है, वेयर करने का काफ़ी अच्छी लगती है। स्लीव्स पे भी गोटा पट्टी की डिटेलिंग है, और नेक पे इस तरह का डिजाइन है, राउंड नेक में आपको कुर्ती मिलेगी। ये हो गई इसकी कुर्ती, बैक से पूरा आपको ये फ्लोरल पैटर्न मिलेगा। और यहाँ पे इस तरह का आपको प्योर कॉटन का बॉटम मिलने वाला है जो कि आपको लहरिया पैटर्न में मिलेगा। यहाँ पे आपको साइड में हैंग करने के लिए लूप मिल रहा है। स्ट्रेट पैंट आपको मिल रही है, इस तरीके का ओवरऑल लुक है इसका, काफ़ी अच्छा मटेरियल है, इसको भी इजीली आप समर्स में कैरी कर सकते हो। फ्लोरल कुर्ती आपको मिलने वाली है, तो अगर आपको ये पसंद आ रही है इसको भी बाय कर सकते हो, एल साइज मेरे पास है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली एक बहुत ही प्रिटी सा बैग जो कि मैंने जूक से बाय किया है। लुक एट द डिजाइन, फर्स्ट आप लुक देख लीजिए, इस तरीके का आपको यहाँ पे बैग रिसीव होने वाला है। मैंने ब्लैक शेड में इसको पिक किया इस तरीके का, और ये लेटेस्ट अभी इनका लॉन्च हुआ है, और ये है क्लासिक ट्रेवल टोट बैग। इस तरीके से आपको इसकी लुक मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होते हैं प्राउडली इंडियन होते हैं, 100% पीटा अप्रूव्ड होते हैं, क्रुएल्टी फ्री होते हैं, और ब्यूटीफुली हैंड क्राफ्टेड होते हैं। मुझे तो इनकी लुक्स बहुत अच्छी लगती है, डिजाइन ऑलमोस्ट सारे इंडियन टच को शो करते हैं। मैंने एक प्रिंट वाले बैग
बैग को पिक किया है और यहाँ पे आपको मिलता है टोट बैग जिसके डिजाइनिंग इतनी अच्छी। आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी शेप देख लीजिए, इस तरह की आपको शेप मिलेगी और इस तरह का आपको यहाँ पे डिजाइन वर्क मिलने वाला है। और यहाँ पे वीगन लेदर का यूज किया जाता है, जो ये लेदर यहाँ पे यूज किया। तो फर्स्ट देख लेते हैं कैसे इसकी लुक है। और यहाँ पे जो लोगो लगा हुआ है उससे तो और ही प्रिटी लगता है बैग। इस तरह का आपको यहाँ पे लोगो लगा हुआ मिलेगा जूट बैग का, ऑथेंटिक है, लुक बहुत अच्छी है। और यहाँ पे आपको स्ट्रैप मिलती है, स्ट्रैप की क्वालिटी बहुत अच्छी है और आप देख सकते हो कितनी नीटली डिजाइन हो रखा है पूरा बैग। और इस तरीके से आपको ओवरऑल लुक मिलने वाली है। सो मच वैरायटी है वहाँ पे। जब बैग को चेकआउट करोगे तो आपको बहुत सारा कलेक्शन देखने के लिए मिलेगा। और जैसे कि फादर्स डे आ रहा है तो उसके लिए आपको बाय करना, तो अपने फादर्स के लिए भी आप काफ़ी अच्छे वहाँ से बाय कर सकते हो बैग। जैसे कि आपको बैग पैक चाहिए, वॉलेट चाहिए, तो काफ़ी सारी वैरायटी, ऐसे नहीं कि खाली लेडीज़ के लिए या वुमेंस के लिए है, वहाँ पर मेंस के लिए भी बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलेगा। तो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, फादर्स डे के लिए भी आप गिफ्ट बाय कर सकते हो। अनदर ऑप्शन भी आपको अवेलेबल है, आपको अपनी मदर को देना है, मतलब गिफ्ट पर्पज से तो बेस्ट है। और मदर्स फादर को इस तरह के जो इंडियन टच को शो करते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो डेफिनेटली उनको पसंद आने वाला है, आप बाय कर सकते हो। तो इस तरह का आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिलने वाला है। अंदर भी आपको एक स्मॉल पॉकेट मिलेगी जो कि बोलने के लिए स्मॉल है लेकिन काफ़ी अच्छी डेप्थ है, उसमें अच्छे से आपका पूरा कंपार्टमेंट मिलने वाला है। दो यहाँ पे आपको इस तरह के पॉकेट्स मिलेंगे जिसमें आप टिश्यू पेपर कुछ भी कैरी कर सकते हो। तो फर्स्ट आप स्पेस देख लीजिए कितना सारा है। तो इसको सबसे पहले मैं बता दूँ, ऑफिस यूज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, कैजुअल आउटिंग के लिए आपको चाहिए, इवेंट के लिए चाहिए, इवन आपने एथनिक वियर किया उसमें भी बहुत अच्छा लगता है, वेस्टर्न वियर किया उसमें भी कमाल की लुक आती है। और इसमें आप होल्ड कर सकते हो एक बॉटल, स्मॉल टिफिन, डायरी आप यूज़ करते हो तो डायरी यूज़ कर सकते हो, स्मॉल मेकअप पाउच अपना आप डाल सकते हो, अपना टैग डाल सकते हो, मोबाइल फ़ोन ईजिली आ जाएगा। तो काफ़ी सारा स्पेस है, मतलब मुझे तो काफ़ी पसंद है। अगर आप मदर हो, आपके साथ बेबी है तो बेबी का सामान भी इसमें आने वाला है, तो मल्टीपल यूज इस बैग का होने वाला है। अच्छा खासा आपको मेरा लुक बहुत अच्छी आ रही है, ऑफिस के लिए तो बेस्ट है। बैग से देख लेते हैं, आपको यहाँ पे जिप मिलती है, इसमें भी आपको काफ़ी अच्छी डेप्थ मिलती है। कुछ होता है ना जल्दी से, कुछ जो हैंडी सामान चाहिए होता है तो उसको आप इसमें रख सकते हो। मुझे तो ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा लगा। बाकी आपकी क्वालिटी मैं आपको बता देती हूँ, वाटर रेजिस्टेंट है बिल्कुल, इसमें फैब्रिक जो यूज़ किया गया है बिल्कुल वाटर रेजिस्टेंट है, अगर पानी वानी भी गिर जाता है तो ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला बैग को। तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ये बैग पसंद आ रहा है, आप बाय करना चाहते हो, तो स्क्रीन में आपको एक कूपन कोड शो हो जाएगा जिसको आप यूज़ करोगे तो अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डेफिनेटली इस कूपन कोड को यूज़ करना। अगर आपको पसंद आ रहा है, बाय करना चाहते हो, तो जल्दी से बाय कर लीजिए। और इसके लिंक, वेबसाइट के लिंक सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली चेकआउट कीजिए और जल्दी से बाय कर लीजिए जूप बैग को। मूव ऑन टू नेक्स्ट आउटफिट। नेक्स्ट आउटफिट मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मेरे पास आ रहा है ना वो दिखा रही हूँ। मैं कुर्ती शो करने वाली हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे लिबास की कुर्ती मिलने वाली है, इस तरह की ब्लू नेक, ब्लू इंडिगो ब्लू शेड में आपको कुर्ती मिलने वाली है। स्ट्रेट आपको यहाँ कुर्ती मिलेगी, कलर शेड बहुत अच्छा है, एल साइज मेरे पास है, एम वाले भी ले सकते हैं, अच्छे से आ जाएगी, बस आपको हल्का सा अल्टर करना पड़ेगा। इंडिगो कलर की यहाँ पे आपको कुर्ती मिलने वाली है, गोटा पट्टी की डिटेलिंग है। इस तरह का आपको की होल वाला नेक मिलेगा, यहाँ पे ना हुक लगा हुआ है तो इसको आप बंद कर देते हो तो ये बंद हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ डिजाइन मिलेगा, सिल्वर गोटा पट्टी की डिटेलिंग है, बाकी पूरा आपको फ्लोरल पैटर्न मिल रहा है, प्योर कॉटन की है। इस तरीके से ओवरऑल लुक है, 46 फ्रंट लेंथ है। ये वाली कुर्ती पसंद आ रही है, इसको बाय कर सकते हो, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है इसका, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। मूव ऑन टू नेक्स्ट आउटफिट। नेक्स्ट आउटफिट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, अगेन ब्रांड अनीस डिजाइनर से मैंने लिया था। टू पीस सेट आपको मिलने वाला है, ग्रे शेड आपको यहाँ पे मिलेगा, इस तरीके का है ये, ऑफिस वेयर के लिए परफेक्ट है। कॉटन मटेरियल में आपको मिलने वाला है, इस तरीके से आप देख सकते हो, कलर शेड बहुत अच्छा है ऑफिस वेयर के लिए, जिनको चाहिए एल साइज मेरे पास है, इसको पिक कर सकते हैं। इस तरह का प्रिंटेड कुर्ती आपको मिलेगी, बिल्कुल सी थ्रू वाली कोई भी कुर्ती नहीं है, कलर शेड बहुत अच्छा है, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। इस तरीके से ओवरऑल इसकी लुक है और अभी भी ये अमेजोन में अवेलेबल है, आप देख सकते हो। इस तरीके का आपको यहाँ पे स्लीव्स मिलने वाली है, डिफरेंट सा आपको यहाँ पे लेस लगी हुई मिली है और जो यहाँ पे पैच अटैच किया है ना डिफरेंट सा फैब्रिक का, उसकी आपको बॉटम मिलेगी। तो ये तो हो गई ओवरऑल कुर्ती, 46 लेंथ के साथ आएगी और यहाँ पे आपको बॉटम मिलेगा जो स्लीव्स में अटैच किया जाता है फैब्रिक, इस तरीके का स्ट्राइप वाला। और राइट साइड में आपको पॉकेट रिसीव होगा, स्ट्रेट पैंट आपको मिल रही है, इजीली एल वाले इसको वेयर कर सकते हैं, एम वालों को अल्टर कराना पड़ेगा। ये सेट पसंद आ रहा है, इसको भी बाय कर सकते हो, अनी डिजाइनर से है। मूव ऑन टू नेक्स्ट सेट। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुर्ती, मेरे हाथ में कुर्ती है, इस तरह की आपको रेड्रास ब्रांड की कुर्ती मिलने वाली है, रेयन का फैब्रिक है इसका, इस तरह से योग पार्ट में आप देख सकते हो, पूरी सीक्वेंस की डिटेलिंग हो रखी है यहाँ पे इस तरह का।
और यहाँ पे आपको ओमरे डिजाइन आप बोल सकते हो या टाई एंड डाई की कुर्ती आप बोल सकते हो इस तरीके की। और ये भी अभी अमेजोन में अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो साइजेस के अकॉर्डिंग। स्लीव्स में गोटा पट्टी की डिटेलिंग मिल रही है, बैक से पूरा आपको ये ओमरे पैटर्न मिलेगा टाई एंड डाई का, और लेंथ भी अच्छी खासी आपको यहाँ पे मिल रही है। पहनने बाद काफी अच्छी लगती है, इजिली समर्स में कैरी कर सकते हो। तो ये हो गई मेरी कुर्ती जिसमें आपको फ्रंट में ही आपको ये वाली पूरी डिटेलिंग मिली है। ये कुर्ती भी अच्छी है समर्स के लिए, इसको भी चेकआउट कर सकते हो। मूव ऑन टू नेक्स्ट आउटफिट। नेक्स्ट आउटफिट मैं आपको शो करने वाली हूँ अगेन अनुभूति ब्रांड से है, और वो भी आपको कुर्ती सेट मिलने वाला है इस तरीके से, देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कुर्ता मिल रहा है एंड बॉटम मिल रहा है। तो फर्स्ट मैं कुर्ता शो कर देती हूँ। कुर्ता इस तरीके से आपको मिलेगा, प्योर कॉटन का मिलने वाला है। कलर शेड आप देख सकते हो बहुत अच्छा है, इजीली आप इसे कैरी कर सकते हो समर्स में ऑफिस वेयर के लिए, एज अ टीचर हो। इस तरह का आपको पैंट भाई कुर्ता, इस तरह का आपको कुर्ता रिसीव होने वाला है। राउंड नेक की कुर्ती मिलेगी, यहाँ पे जो आपका बॉटम है उसका पैच लगाया गया, और यहाँ पे सिल्वर गोटा पट्टी की। अनुभूति ब्रांड का एक तो फैब्रिक बहुत अच्छा होता है, लुक बहुत अच्छी आती है, इसको भी हाईली रिकमेंड करूंगी, चेकआउट कर सकते हो। कलर शेड बहुत अच्छा है, ब्लू इंडिगो ब्लू डार्क शेड में आपको मिल रहा है। तो ये होगी इसकी कुर्ती, आपको स्ट्रेट कुर्ती मिली है। बॉटम की बात की जाए तो इस तरह का जिगजैग पैटर्न वाला आपको बॉटम मिलेगा। हिप एरिया में मार्जिन काफी अच्छा है, इस तरह का फैब्रिक देख सकते हो। आई थिंक हाँ, वन साइड आपको पॉकेट भी मिल रहा है। इस तरह का इसका लुक आने वाला है, ट्राई ऑन होगा तो मैं डेफिनेटली लगा दूंगी। तो ये वाला सेट भी अपने आप में अच्छा है, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। आज ब्लू कलर ज्यादा ही हो गया है। मूव ऑन टू नेक्स्ट। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, थ्री पीस सेट है, क्लोथिया ब्रांड से मैंने पिक किया था। काफी अच्छा सेट है और काफी अच्छी ब्रांड है ये वाली भी। थ्री पीस सेट आपको मिलने वाला है, क्रीम शेड में आपको मिलेगा, मतलब ऑफ व्हाइट शेड आप बोल सकते हो। कुर्ता मिल रहा है, बॉटम मिल रहा है। फर्स्ट देख लेते हैं कुर्ता। वी नेक का आपको कुर्ता रिसीव होने वाला है, इस तरह का डिजाइन पैटर्न आपको मिलेगा। यहाँ पे पूरा प्रिंटेड है ये वाला कुर्ता भी, इजिली आप इसको वेयर कर सकते हो समर्स में। कॉटन ब्लेंड मटेरियल है, इजिली समर्स में कैरी कर सकते हो। वी नेक का कुर्ता मिलेगा, बैक से पूरा यही डिजाइन वर्क हो रखा है इस कुर्ते में, इस तरीके का पूरा वर्क, मतलब पूरा प्रिंट वर्क आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अभी भी अवेलेबल है, चेकआउट कर सकते हो। ये वाला वी नेक में कुर्ता रिसीव होगा, और तो फ्लोरल पैटर्न में आपको बॉटम रिसीव होगा इस तरीके का, ऑफ व्हाइट शेड में आपको मिलेगा। यहाँ पे अफगानी पैंट वाला स्टाइल आपको मिलेगा, आप सलवार बोल सकते हो, इस तरह का लुक है। मार्जिन काफी मिल रहा है, इजिली जो हैवी थाइज है जिनकी, वो इजिली कैरी कर सकते हैं। कलर शेड बहुत अच्छा, अभी स्क्रीन में शो नहीं हो रहा लेकिन कलर शेड काफी अच्छा, मतलब इससे जो शो हो रहा है उससे डार्क ही है ये वाला कलर शेड, इस तरीके का है। अब मैं इसका दुपट्टा शो करती हूँ, ये आपको इसके साथ दुपट्टा आ जाएगा। अच्छा दुपट्टा है, 2.25 मीटर का आपको दुपट्टा मिलेगा। चलो मैं ओपन कर देती हूँ, इतना आपको दुपट्टा मिलने वाला है। काफी अच्छा दुपट्टा है, इसको भी बाय कर सकते हो। अगर पसंद आ रहा है जल्दी से DM कीजिए। आपको ड्रेस दिखाने वाली हूँ, यहाँ पे आपको एक कॉटन ब्लेंड मटेरियल की ड्रेस रिसीव होगी। एम साइज में मैंने पिक किया था, इस तरह का आपको मटेरियल मिलने वाला है। लाइट शेड में है, यहाँ पे इस तरह के स्लीव्स में आपको इलास्टिकेटेड मिलेगा, और इस तरह का आपको मिल रहा है। एज ए ड्रेस अगर आपको चाहिए तो इसको जैसे समर्स में घूमने फिरने के लिए चाहिए, आउटिंग के लिए चाहिए, तो इसको पिक कर सकते हो। इस तरह का स्क्वायर नेक आपको मिलेगा, बैक से पूरा ये प्रिंटेड वाले आपको फैब्रिक मिल रहा है। अगर ये पसंद आ रहा है इसको भी बाय कर सकते हो, बहुत ही अच्छी ड्रेस है, सुपर कम्फर्टेबल है, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये मेरी फर्स्ट ड्रेस है। सेकेंड मैं आपको शो करने वाली हूँ, सेकेंड मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक जॉर्जेट की ड्रेस, इस तरीके से आपको मिलने वाली है, और ये भी काफ़ी अच्छी है। एम साइज में आपको मिलेगी, इस तरह का आपको यहाँ पे मिलेगा। पूरा यहाँ पे अच्छे से स्टिच हो रखा है, पूरा जो फैब्रिक वो पूरा अच्छा सा अपर पार्ट में यहाँ पे इलास्टिकेटेड आपको मिलेगा। इस तरह का आपको यहाँ पे फ्लोरल पैटर्न मिलेगा, पूरी जॉर्जेट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ब्लैक और वाइट शेड में आपको मिलेगा, और इस तरह से यहाँ पे ये देसी गर्ल का है। एम साइज मैंने पिक किया था और काफी अच्छा था, आप इसे शोल्डर डाउन भी कर सकते हो या ऊपर तक भी रख सकते हो। बाकी ट्राई ऑन मैं दिखा दूंगी जिससे आपको पूरा समझ आ जाएगा। और यहाँ तक आपको ना हाफ पार्ट तक यहाँ लाइनिंग लगा हुआ मिल रहा है, बाकी आपको पूरी ये फ्लोरल सी मिलेगी, फ्लेयर सी कुर्ती है। आपके पूरे मतलब पूरे ये अच्छे फ्लोर लेंथ तक आ जाती है, हील पेयर अप करते हो तो इतना सा शो होगा। अच्छी ड्रेस है, बाकी मैं इसका ट्राई ऑन लगा दूंगी, आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा। इस तरह के आपको बेल स्लीव्स मिलने वाले हैं, कलर शेड बहुत अच्छा है ब्लैक और व्हाइट का। अगर आपको ये पसंद आ रही है फ्लोरल सी ड्रेस, इसको भी पिक कर सकते हो, काफी अच्छा इसमें लुक आता है और काफी अच्छी लगती है। अगर आप स्लिम हो एम साइज के हो तो डेफिनेटली इसको बाय कर लीजिए। वॉन्ट टू नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ, नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुर्ता सेट, जो कि टू पीस सेट है आपको मिलने वाला, और ये भी काफ़ी ट्रेंडिंग है। और ये ब्रांड है लाइमो से मैंने लिया था,
टू पीस सेट आपको मिलने वाला है। फर्स्ट कुर्ता देख लेते हैं, कुर्ते की बात की जाए तो कॉटन ब्लेंड मटेरियल आपको मिलने वाला है। यहाँ पे इस तरह का नेक स्टाइल आपको मिलेगा, पूरा फ्लोरल पैटर्न आपको मिल रहा है, ब्लू में रेड का कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है। स्लीव्स की बात की जाए 3/4 स्लीव्स मिलेंगे, स्लीव्स पे पूरा प्रिंट वर्क मिल रहा है, इतना आपको मिल रहा है। और एल से मतलब एल साइज वालों को और काफी अच्छा मतलब लूज फिट आने वाला है आपको इस तरीके से। बैक से बात की जाए तो ये पूरा फ्लोरल पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा और काफी अच्छा है। ये एल वाले ही बाइक रहे तो अच्छा है क्योंकि एम वालों को ज्यादा लूज हो जाएगा। इस तरह का आपको यहाँ पे कुर्ता रिसीव होगा और ये भी अमेजोन में अवेलेबल है। इसका बॉटम देख लेते हैं, बॉटम आपको इस तरह का प्रिंटेड वर्क वाला मिलेगा, इतना खुला आपको हेम में एरिया मिल रहा है, हिप एरिया इस तरीके से। और यहाँ पे आपको इस तरह का स्ट्रेट पैंट मिल रहा है और नीचे वाली डिजाइनिंग मिली है तो अच्छा लूज काइंड आपको यहाँ बॉटम मिला, अच्छा सेट है, इसको भी बाय कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कुर्ती, यहाँ पे दो कुर्ती मैं आपको शो कर रही हूँ, दोनों ही बहुत प्रिटी हैं। फर्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ रेट्रास दिखा रही हूँ लहरिया कुर्ती, जो कि आपको इस तरह से मिलेगी, प्योर कॉटन की है ये वाली, इस तरीके से आपको मिलने वाली है। और यहाँ पे इस तरह का डिजाइन वर्क आपको मिलेगा, गोटा पट्टे की डिटेलिंग है। एल साइज मेरे पास है, नॉर्मल घर में पहनने के लिए चाहिए आप इसे पिक कर सकते हो। इस तरह का आपको स्लीव्स मिलेगा, 3/4 स्लीव्स है, स्लीव्स पे भी गोटा पट्टी की डिटेलिंग है। ओवरऑल लुक काफी अच्छी आ रही थी और सब फैब्रिक बहुत अच्छा है, इजिली आप कैरी कर सकते हो समर्स में। बैक में इस तरह का स्ट्राइप पूरा लहरिया पैटर्न आपको मिलेगा, पर्पल शेड में है, आई थिंक अभी अवेलेबल नहीं है, सिमिलर कलर आपको मिल जाएंगे येलो या ग्रीन, तो ये पर्पल शेड में आपको मिलेगी, अच्छा कलर शेड है, इसको भी बाय कर लीजिए, प्योर कॉटन की है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ अगेन अनुभूति ब्रांड की बहुत प्रिटी सी कुर्ती, इस तरीके की आपको मिलने वाली है। लुक एट द डिजाइन, योक पार्ट पे आप देख सकते हो काफी अच्छा आपको हैवी एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलने वाला है। इस तरह का आपको यहाँ पे प्रिंट वर्क मिलेगा, क्वालिटी काफी अच्छी है। यहाँ पे आपको प्योर कॉटन की कुर्ती मिलने वाली है। स्लीव्स की बात की जाए 3/4 स्लीव्स है, स्लीव्स पे भी आप देख सकते हो कितना प्रिटी डिजाइन वर्क है। बैक से बात की जाए तो इस तरह का आपको पूरा वर्क मिलेगा और इस तरह का यहाँ पे आपको डिजाइन वर्क मिलने वाला आप देख सकते हो। कलर शेड बहुत अच्छा है इस तरह का, आपको यहाँ पे ब्लॉक प्रिंट वाला डिजाइन मिल रहा है और एल साइज मेरे पास है, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो ओवरऑल लुक काफी अच्छी आती है इस वाले कुर्ती को भी, आप व्हाइट बॉटम के साथ कैरी कर सकते हो। एल साइज मेरे पास है, इसको भी आप बाय कर सकते हो, जो भी प्राइस है आपको स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक ड्रेस और नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक ड्रेस जो कि आपको रेयन मटेरियल में मिलने वाली है। इस तरीके से एल साइज मेरे पास है, इजीली आप कैरी कर सकते हो और ये भी समर्स के लिए परफेक्ट है। इस तरह के आपको यहाँ पे पॉम पॉम की डिटेलिंग मिलेगी, यहाँ पे भी आपको ये पॉम पॉम लगे हुए मिलेंगे, एज ए ड्रेस कैरी करने के लिए चाहिए, इसको पिक कर सकते हो। बैक से बात की जाए तो इस तरह का आपको वर्क मिलेगा, पूरा यहाँ पे इस तरह का डिजाइन वर्क आपको मिलने वाला है। तो एज ए ड्रेस अगर आपको बाय करना है तो इसको बाय कर सकते हो, अच्छी ड्रेस है, समर्स के लिए परफेक्ट है, इसको भी देख सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ टोक्यो टॉकीज की ये ड्रेस है, नेवी ब्लू कलर शेड में आपको मिल जाएगी। इस तरीके का अपर पार्ट में आपको यहाँ पे नेट लगा हुआ मिलेगा और यहाँ पे स्लीव्स ट्रांसपेरेंट एज ए नेट वाले मिलेंगे और यहाँ से आपको लाइनिंग लगा हुआ मिलेगा। काफी अच्छी ड्रेस है, बिल्कुल एम साइज अब मुझे आता नहीं है। इस तरीके की आपको यहाँ पे इतनी आपको इसकी लेंथ मिलेगी, इतनी आप देख सकते हो, नी तक आपके आ जाएगी। तो एज ए ड्रेस आप इसको वेयर कर सकते हो, एम और एस वाले इसको ट्राई कर सकते हो। टोक्यो टॉकीज की ये ब्रांड है, इस तरीके से आपको नेवी ब्लू में मिलने वाली है। बैक से आपको जिपर का ऑप्शन मिल रहा है ओपन करने के लिए, जिससे कि आप वेयर कर सकते हो। पसंद आ रहा है तो इस वाले ऑप्शन को ट्राई कर सकते हो, स्लिम फिट लगने वाले हो, नेवी ब्लू कलर में और टोक्यो टॉकीज की एम साइज मेरे पास है। मूव ऑन टू नेक्स्ट ड्रेस और नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ एक और ड्रेस जो कि आपको फ्लोर लेंथ तक आने वाली है। इस तरह की आपको ये हॉल्टर नेक में मिलने वाली है, फ्रंट डिजाइन आपको इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट वर्क मिलेगा, ब्लैक कलर की है, रेयन की आपको ये ड्रेस मिलेगी। इस तरीके से पूरी फ्लोर लेंथ तक आने वाली है, नीचे भी आपको ये वाला प्रिंट वर्क वाला फैब्रिक मिलेगा और इस तरीके से यहाँ पे नेक स्टाइल है, आप इसके ऊपर श्रग डाल सकते हो तो काफी अच्छी लगती है वाली। बाकी ट्राउन में आपको मैं लगा दूंगी जिससे कि आपको समझ आ जाए। बैक से इस तरह का आपको डिजाइन वर्क मिलेगा तो काफी अच्छी है। इस तरह से यहाँ पे आपको योक पार्ट में इलास्टिक लगा हुआ मिलता है, पूरी यहाँ पे लॉन्ग ड्रेस जिनको पहनना पसंद है इनको ट्राई कर सकते हो। कुछ लॉन्ग ड्रेस शो करिए, कुछ मैंने आपको शॉर्ट ड्रेस शो करिए, तो बाकी आप चेकआउट कर लेना किस तरह का आप वेरिएबल है आपके लिए, जैसा आप डालते हो। तो ये मेरी लॉन्ग वाली ड्रेस थी जो कि आपको रेयन फैब्रिक में मिलेगी, एल साइज मेरे पास था ये वाला साइज। और कहीं भी साइज का हो तो आप पूछ सकते हो कि कौन सा साइज है डीएम करके। तो ये वाली एक ड्रेस थी मेरे पास जो उसको मैं रीसेल कर रही हूँ, पसंद आ रही है तो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। लुक काफी अच्छी आती है, अभी थोड़ा मेरे पास रखी थी तो इस तरीके से थोड़ा क्रश हो रखी, लेकिन अच्छी लगती है वेयर करने के बाद। नेक्स्ट मैं आपके साथ शो कर रही हूँ एक कुर्ता सेट जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग है, इस तरीके से आप देख सकते हो। और ये अन्नी डिजाइनर का है और लहरिया पैटर्न में आपको मिलने वाला है।
इस तरीके से एल साइज मेरे पास है, फर्स्ट आप देख लीजिए और अभी भी अवेलेबल है। इसमें 3 कलर शेड है। वहाँ पे फर्स्ट कुर्ती देख लेते हैं, इस तरीके की आपको कुर्ती मिलने वाली है। कॉटन ब्लेंड मटेरियल आपको मिलेगा, पूरा लहरिया पैटर्न है, ब्लू शेड में आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको ऐसा यहाँ पे बिल्कुल प्लेन आपको डिजाइन मिल रहा है, बस लहरिया पैटर्न। योग पार्ट में ही आपको सीक्वेंस की डिटेलिंग मिलेगी, इस तरह का पूरा सीक्वेंस लगा हुआ आपको मिलेगा। 3/4 स्लीव्स मिल रहे हैं, बैक से भी पूरा ये लहरिया पैटर्न है। एन साइज मेरे पास है, कॉटन ब्लेंड मटेरियल है और लेंथ आपको इसकी 46 मिलेगी। काफी अच्छा लग रहा था वाइट में सिल्वर का कॉम्बिनेशन, इसको भी चेकआउट कर सकते हो आप। अब मैं इसका बॉटम शो करती हूँ। बॉटम आपको स्ट्रेट ब्लू कलर का मिलेगा, इस तरीके का आपको ब्लू बॉटम मिलने वाला है। वन साइड आपको पॉकेट मिलेगी, कॉटन ब्लेंड मटेरियल है। मार्जिन काफी अच्छा मिल रहा है एरिया में, इसको भी बाय कर सकते हो। कंप्लीट सेट काफी अच्छा है। दुपट्टे की बात करते हैं, दुपट्टा आपको इस तरह से कॉटन का ही मिलने वाला है, मिक्स कॉटन का आप बोल सकते हो। इस तरीके से चंदेरी वाला आपको यहाँ दुपट्टा मिलेगा। चारों तरफ आपको ये गोटा पट्टी की डिटेलिंग और ये छोटा छोटा बंदी का पैटर्न मिलेगा। 2.5 मीटर का आपको दुपट्टा मिलने वाला है। कंप्लीट सेट काफी अच्छा है, अगर इसको बाय करना है जल्दी से DM कर दीजिए। कलर शेड बहुत अच्छा, हर स्किन टोन में जाने वाला है, परफेक्ट है किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए या आपको पूजा फंक्शन के लिए चाहिए तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो फ्रेंड यही था मेरा आज का रीसेलिंग वीडियो। आई होप आपको कलेक्शन अच्छी लगी हो। इनमें से अगर कोई भी आउटफिट अगर आप बाय करना चाहते हो, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एल ही साइज़ है, बाकी अनदर साइज़ भी आप बाय कर सकते हो। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।